छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने लेटर में यह दावा किया है कि रमन सिंह की सरकार द्वारा राज्य को खुले में शौच से मुक्त यानी ODF घोषित किए जाने के बावजूद प्रदेश में 15 लाख से अधिक परिवारों के पास शौचालय नहीं है। जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि बघेल ने अपनी चिट्ठी में इसकी जांच कराने की भी मांग की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बकायदा अपनी चिट्ठी को ट्वीट भी किया है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में इस संबंध में चिंता भी जताई है और वंचित परिवारों को ये लाभ मुहैया कराने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है। पत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने PM मोदी से शौचालय निर्माण प्रोत्साहन राशि 12,000 रुपए प्रति परिवार से बढ़ाकर 30,000 रुपए करने का भी अनुरोध किया है। साथ ही नक्सल प्रभावित तथा दुर्गम क्षेत्रों में ऐसे शौचालयों का निर्माण ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के तत्वाधान में कराए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6/2019-21 में ये पाया गया कि छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में 88.2% परिवार और ग्रामीण क्षेत्रों के 73.5% परिवार शौचालय सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। इस तरह राज्य के कुल परिवारों में से 76.8% परिवार शौचालय सुविधा का उपयोग कर रहे हैं, जबकि 23.2% परिवार इससे वंचित हैं। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि पिछले महीने राज्य सरकार द्वारा कराए गए सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान शौचालयों के जमीनी स्तर पर सत्यापन से राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों की पुष्टि होती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र में आगे लिखा है, राज्य में पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में 32 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ। जनवरी 2018 में राज्य को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। शौचालयों के निर्माण में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुआ है। इतनी राशि व्यय करने के बाद भी राज्य के लगभग 15 लाख परिवारों के पास वर्तमान में शौचालय की सुविधा नहीं होना चिंता एवं जांच का विषय है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है, भारत सरकार के प्रशासकीय विभाग द्वारा स्वतंत्र तीसरे पक्ष के जरिए वस्तु स्थिति की जांच कराई जाए। साथ ही राज्य की भौगोलिक एवं आबादी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए शौचालय सुविधा से वंचित परिवारों के लिए शौचालय निर्माण की प्रति परिवार प्रोत्साहन राशि 12,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए की जाए। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नक्सल प्रभावित तथा दुर्गम क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के जरिए शौचालय निर्माण की सहमति देने का भी आग्रह किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।